Good morning, everyone. Our today's poem is Do Something, Brother, a poem by Gopal Krishna Adiga. So let's begin. Gopal Krishna Adiga was a Kannadin poet, and this poem was translated by A.K. Ramanujam. So that's the poem, and now let's begin. And here it is. Do something, brother. Keep doing something, anything. You mustn't be idle. Pull out this plant, nip this little leaf, crush that flower. There's grass, run your brand through it, burn it like Lanka. Tiny butterflies, parrot, sparrow, chase them, catch them, pluck their wings, pull out their fur and feather. There in garden, jasmine and bananas gold grow for the wild elephant feet. So basically, do something, brother. It's a very ironical poem. और ये किस चीज के प्रति आपको बता रही है, जो ह्यूमन का नेचर है, नेचर के साथ यू नो खिलवाड़ करने का। हम हर वक्त कुछ ना कुछ नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने इसको अपना एक तरीके से मिशन बना लिया दैट वी आर नॉट लेटिंग नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स लिव टुगेदर पीसफुली। वी ट्राइंग टू ओवरकम इट, वी ट्राइंग टू ओवरपावर इट। तो उस जो इंसान बिना सोचे समझे नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस थीम को लेकर बहुत ही आयरोनिकल एंड सटायरिकल वे में पोएट इज राइटिंग दिस पोएम कि डू समथिंग ब्रदर, कुछ तो करो, तुम खाली नहीं बैठ सकते हो यार। यू नो ये प्लांट तोड़ लो, ये पत्ती को कर लो, उस ग्रास को क्रश कर दो। एंड देन हियर ही इज यूजिंग द रेफरेंस ऑफ लंका, जैसे लंका में हनुमान गए थे और उन्होंने पूरी लंका तहस नहस कर दी थी। यू शुड गो लाइक यू डू एंड यू नो लंका की तरह सब बर्न कर दो, पैरेट बटरफ्लाईज उनको पकड़ो, उनको ये करो, उसके प्लग विंग्स करो, यहाँ पे जैस्मिन एंड बनाना, जैसे एलिफेंट जाता है वो पूरा क्रश कर देता है। डू समथिंग ब्रदर, सो इट्स अ वेरी आयरोनिकल पोयम। एंड ह्यूमन जो कर रहा है उसको मना करने के बजाय उसको और करने की प्रेरणा दे के सटायर कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे होता है ना कि बच्चों को जैसे वो पढ़ते नहीं है तो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एक तरीका आप किसी को मना करें कि नहीं आप पढ़ो एंड यू नो आपको पढ़ना चाहिए, और एक होता है रिवर्स साइकोलॉजी वाला, नहीं नहीं बिल्कुल मत पढ़ो, स्कूल भी मत जाओ, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो यहाँ पे उल्टा टोन लिया गया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ह्यूमन यू शुड एक्ट वाइजली, यू शुड बी वेरी सेंसिबल व्हाट यू अप्रोच, हाउ यू अप्रोच, ही इज लाइक नहीं नहीं आप बिल्कुल कुछ करो, ये तबाह करो, ये पेड़ तोड़ो, ये करो वो करो। दैट्स हाउ द पोएट इज अप्रोचिंग। सो दैट्स आवर फर्स्ट stanza. Now let's move to the next stanza. All over the walls, virility master switches itch for your fingers. Close your eyes, pull down 20 of them. Earth, water, skies, they are all geese with golden eggs. Gouge them out, slash them, do or die, they say. Disaster at the test for your genius galloping dance. Something must crash every minute. Brother, act, act at once, do something. Thoughts, weights and measure are all for the past. For the undying ghostly treasure of the dead. And अब यहाँ पे वो दूसरी सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं, and यहाँ पे he is like presenting some very ironical ideas that earth, water and sky, they are all geese. जैसे वो होता है ना, वो अपनी स्टोरी सुनोगी बचपन में, सोने की चिड़िया, सोने की मुर्गी जो अंडा देती थी, तो वही कह रही कि पूरा जो अर्थ है, ये पूरी जो वो है, वो सोने का मुर्गी तो है, सो आप जाओ उसको लो, उसको स्लैश कर दो। वो रोज एक अंडा देती थी, बट उसको लगा यार एक अंडे से क्या होगा, तो उसने कि मैं मुर्गी को काट देता हूँ और सारे के सारे अंडे ले लेता हूँ। सिमिलरली वी आर डूइंग विद द नेचर। महात्मा गांधी का है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नथिंग फॉर एनीवन ग्रीड, एंड वी आर बिकमिंग ग्रीडी, दैट्स व्हाई ऑल द प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। सो ही इज सेइंग कि आप जाओ उसको छेड़े करो, यू नो वो सारी चीजों को ले लो। डिजास्टर जो है वो तो डांस है एक तरीके का। Something must crush every minute. Brother, act, act and once. And then, ये जो होता है ना सोच समझ के हमें काम करना चाहिए, इस thought को भी वो ironically present करें। Thoughts, weights and measure are all for the past. कि सोचना समझना ये सब तो you know, ये सब पुरानी बातें हैं, ये तो पुराने लोगों की बातें हैं, आज का मानव सोचता थोड़ी ना। You just go and act. So इंसान बिना सोचे समझे जो नेचर के साथ कर रहा है, उसको अगेन आयरोनिकली उसने प्रेजेंट किया है। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा।
There's a forest, cut it clean to the stump, slit it on your buttings. You have eggs, sickles, the saw, the knife, go harvest all the words with flourish of your hands. So अब वो फॉरेस्ट में चला गया कि जाओ फॉरेस्ट में जाओ सब काट दो, तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास ये है, इन सबको काटो. बट यू मीट विंटर मिस्ट, वॉल ऑफ फॉग्स, वॉल दैट लाइन द स्पेस बिटवीन फेस एंड फेस, रोड दैट साइज ब्रेक इन टू टू अंडर योर आईज, कपल ऑफ माउंटेन पीक्स रियर देयर हुड्स लोअर अपॉन योर हेड, लाइटनिंग विंग्स फ्रॉम सेरिन दैट सिंग्स इन एवरी ट्री, डू दे प्लंज यू इन टू एंजाइटीज एंड डिलेमा ऑफ रीजन. नो नो नो, दिस वॉन्ट डू. यू आर अ सिंपल मैन, दैट्स योर स्ट्रेंथ. हॉर्स सेंस एंड ब्लिकर्स आर योर फोर्टे. अब वो फॉरेस्ट का सिचुएशन में ले गया कि फॉरेस्ट में जाओ सारी चीजों को यू नो काट दो, तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास सारे हथियार है, तुम्हारे पास डेवलपमेंट है, गो एंड क्लीन इट. एंड देन ही सेइंग कि जब तुम करने जाते हो और तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशन आती है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे बीच में ये है, तो तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड यू कट और नॉट. तुम्हारे दिमाग में यदि कोई एंजाइटी आती है, कोई धर्म संकट आता है, देन ही यू नो ही सेइंग नो नो नो, ये डिलेमा ऑफ रीजन, ये एंजाइटीज, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है. तुम तो सिंपल मैन हो, जैसे हॉर्स के आगे वो लगा देते ना कि उसको बस ये दिखता है कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, जाके पूरे तबाह कर देना है या मेरा लक्ष्य ये है, उसकी तरह ही तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, गो एंड क्लीन एवरीथिंग, सबको तबाह कर देना. सो यू गो एंड फोकस ऑन योर फोर्टे. सो वेरी आयरॉनिकली ही इज प्लेइंग विद अ रिवर्स साइकोलॉजी. जो नहीं करना है वही करने के लिए बोल के यू नो हमें ये चेताने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, हम कैसे नेचर के साथ बिहेव कर रहे हैं, हाउ वी आर बिहेविंग विद आवर मदर नेचर. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर. फाइनली ईट व्हाट, नेक्स्ट स्टैंजा, ईट व्हाट कम्स टू हैंड, क्रश व्हाट यू टच, कट द हिंडरिंग वाइज, मदर अर्थ हरसेल्फ थ्रो टायर्ड लाई ओपन्स टू स्काई, देयर स्टिल फ्लैश ऑन हर बोन, मैरो फॉर योर हंगर, कम कम ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर मैन. एंड यहाँ पे जो मैन का जो झूठा घमंड है, यू नो दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द सुपीरियर क्रिएचर्स, वी ओन दिस अर्थ, उसको ये चैलेंज कर रहा है अगेन विद अ रिवर्स साइकोलॉजी. इंस्टेड ऑफ सेइंग यू शुड नॉट डू इट, ही इज जस्ट सेइंग गो, यू शुड डू इट. जो भी है उसे खा लो, जो भी उसे क्रश कर लो, मदर अर्थ तो पूरी क्यों ही तुम्हारे लिए तो पड़ी हुई है, उसने अपना खजाना तुम्हारे लिए खोला हुआ है, तुम्हारी भूख अभी भी उसके ऊपर फ्लैश है, अभी भी उसके अंदर है जो तुम निकाल सकते हो, जो तुम खींच सकते हो. सो कम ऑन ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर मैन. ये मत भूलना कि तुम इंसान हो, और इंसान का काम ही क्या है, बर्बाद करना, तबाह करना, नेचर को पूरा ले लेना, निचोड़ देना. दैट्स हाउ ही इज सेइंग दैट. देन वी कम फाइनली लास्ट स्टैंजा, देन देयर इज अ वेल ऑफ लाइफ, rope the wheel and exhale, pull out all the water, reach the last dryness of the rope, grope grope the grasping iron. यहाँ पे अब well of life, well of life यहाँ पे दो चीजें represent करता है, जैसे अलग अलग resources. last में वो forest की बात कर रहा था, then earth sky की बात कर रहा था, अब ये water के context में आ गया. well of life है, and well of life can also means knowledge and all that stuff that you have, जो जानना है करना है. so उसको rope करो, निकालो सारा चीज, निकालो last बूंद तक तुम्हें निकाल लेना है. and then जो हमारे modern man का है, v for victory brother, break down the atom. अब यहाँ पे ये परमाणु शक्ति, जो atom है, जो missiles है, उनके बारे में भी लिख. रीच फॉर द अल्टीमेट वर्ल्ड विद इन, फाइंड गॉड्स ऑन एरो एंड एम इट राइट एट द हार्ट ऑफ गॉड्स ऑन एम्ब्रियो वर्ल्ड. एंड देन ही सेइंग जो इंसान का जो पागलपन है जानने का, सब कुछ समझने का, हर चीज को ब्रेक डाउन करके उसको अपने फायदे के लिए यूज करने का, तो ही इज जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट कि वो एटम को भी ब्रेक कर दो, जो माइन्यूट चीज है उसको भी ब्रेक कर दो, अल्टीमेट जो वर्ल्ड है वो सारी चीजों को जान के उसी के ऊपर तुम आक्रमण कर दो. डू समथिंग, एनीथिंग, anything brother, idle men are burden on the land. Do brother, do something, keep doing something all the time to lighten mother's earth load. This is right, this is natural, this is the one thing needful. So ironically he is pointing out what we not do by saying you should do that only, because that's the only way you can do. So ye karo, khali thodi na baith sakte ho tum, yadi khali baithoge to mother earth pe bojh ho jaoge. Yahi sahi hai, yahi natural hai, go and do this. So basically in 5 stanzas में do something brother जो है वो इंसान का जो आज का रवैया है कि हम नेचर के साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, कैसे माइंडफुलनेस ना रख के माइंडलेसली हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं,
उस चीज को रिवर्स साइकोलॉजी के साथ, इंस्टेड ऑफ सेइंग ह्यूमन शुड एक्ट नाइसली विद नेचर, ह्यूमन शुड बी माइंडफुल, ह्यूमन शुड एक्ट इन अ वेरी मोर सेंसिबल सस्टेनेबल वे, ये पोयम जो है उसके ही नेचर को और बढ़ावा देके उसको रिवर्स साइकोलॉजी में एक चमाटा मारना जो होता है ना, एक तमाचा मारना, दैट्स हाउ दिस पोयम इज प्रेजेंटिंग. दिस इज ट्रांसलेटेड बाय एके रामानुजम एज आई ऑलरेडी टोल्ड. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद मोर डिटेल इन सम क्रिटिकल पॉइंट्स. सो गोपाल कृष्ण अडिगा साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर थे, कैनेडा पोएट हैं, एके रामानुजम ने ट्रांसलेट किया है इस वर्क को. And narrator is rooting for all human being engaged in act of senseless destruction of nature. That's the major theme. Act of senseless destruction of nature. Clear? Then some of the major themes, ambition and destructive perspective. So there's an urgent call for action that you should go. एन इंसान कैसे एम्बिशन में डिस्ट्रक्शन कर रहा है उस चीज को हाईलाइट किया है. देन देयर इज मैस्कुलिन डोमिनेंस एंड कॉन्क्वेस्ट, इंसान का जो मैस्कुलिनिटी का जो घमंड है उस चीज को, पावरफुल क्रिटिक ऑफ अनचेक मैस्कुलिनिटी एंड एम्बिशन. विरिलिटी मास्टर स्विचेस सिंबलाइज अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर पावर एंड डोमिनेंस. इनकरेजेस रीडर टू स्लैश नेचर इंप्लाइंग अ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, कि हम नेचर को जीतना चाहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, दैट्स द अनदर थीम. देन कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रैग्मेटिक सर्वाइवल, हियर ही सेज दैट रीडर इज कन्फ्रंटेड ऑब्स्टेकल एंड अनसर्टेनिटी लाइक विंटर मिस्ट, वॉल्स ऑफ फोग, माउंटेन पीक्स, ये सब जो थर्ड सेकेंड स्टैंजा थर्ड स्टैंजा में आ रहा था. बट देन ही सेइंग कि चाहे कोई सी भी कॉम्प्लेक्सिटी आए, कुछ भी आए, यू हैव टू गो हैंड, और आपको जाके अपना काम करना ही है. तो पोएम सजेस्ट द मोर प्रैग्मेटिक एंड अडेप्टिव अप्रोच सिंबलाइज बाय हॉर्स सेंस एंड ब्लिकर्स माइट बी नेसेसरी टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस. तो जब आप करने जाओगे तो आपको नेचर चैलेंज देगी, बट उसे घबराना नहीं, यू हैव टू गो एंड डू दैट. सो प्रैग्मेटिक सर्वाइवल का पॉइंट यहाँ पे लाया गया है. देन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर, the imagery of mother earth providing substance and marrow for hunger, idea of respecting and coexisting with nature rather than exploiting it. So ye cheez to hai ki yahan pe aapko idea yahi diya ja raha hai ki bhai nature ke sath sath mein rehna padega, but wo ye karne ke liye bol nahi raha hai aapko directly. Instead wo jo nahi karna chahiye usko badhava deke bol raha hai, ye karo wo karo, ye bhi mat karo wo bhi karo, ताकि हमें खुद शर्म आए, ताकि हमें लगे कि यार हम क्या कर रहे हैं. सो दिस इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग अस फील गिल्टी अबाउट आवर एक्शंस बाय सेइंग नो नो यू आर डूइंग राइट, आपको यही करना चाहिए. क्लियर? देन वी हैव परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस. जब वो वेल ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, सिंबलाइजेस द क्वेस्ट फॉर डीपर ट्रुथ एंड अंडरस्टैंडिंग. एनकरेजेस एम्बार्गिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट, एमिंग फॉर न्यू फ्रंटियर्स, ब्रेकिंग डाउन द एटम. सो यहाँ पे नॉलेज एंड प्रोग्रेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को भी इसने हाईलाइट किया है. देन फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन. ओवरऑल डू समथिंग ब्रदर प्रेजेंट अ मल्टीफेसेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, रिलेशनशिप विद नेचर एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस. इट क्रिटिक्स रेकलेस एम्बिशन एंड हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन एनवायरमेंट, व्हाइल आल्सो एक्नॉलेजिंग द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन अडैप्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस. Poem encourages a thoughtful and balanced approach to life, highlighting the importance of respecting and harmonizing with nature by presenting conflicting perspective. यहाँ पे conflicting perspective है. Adiga promotes reader to critically reflect on their action. वो आपको critically reflect करने का option दे रहा है and their impact on the world around them. The poem serves as a powerful call to action for responsible stewards. Ship of Earth and its resources. So basically, ये आपको चैलेंज कर रहा है कि आप अपने एक्शन को रीएनालाइज करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, एंड देन इन अ रिवर्स साइकोलॉजी इज ट्राइंग अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे एक्शन कैसे नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स इट. क्लियर? बट ये आपको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली सटायरिकल वे में बोला गया है कि आपको एक चाटे की तरह ये चीज लगे कि यार शिट, हम ऐसे कर रहे हैं नेचर के साथ और अब हमें नहीं करना चाहिए. नो, वी नीड टू को एग्जिस्ट विद नेचर रेदर देन वी ट्राइंग टू कॉन्कर द नेचर. दैट्स द मेजर थीम. बट
in a very different way the poem is presenting it us, so that we feel guilty for our action. We feel, you know, that we should not have done that. But he is not saying ki mat karo, saying jao jao itna hi kyun aur karo, ताकि हमें लगे कि यार हम गलत करें. सो दैट्स अ पोएम, डू समथिंग ब्रदर. आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आपको ये पोएम समझ में आई होगी. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. ओके, बाय बाय, टेक केयर.